हरिओ, मैं वंदनावीरा पेडनेकर ढाणुकरवाड़ी उपासना केंद्र में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं वेस्टर्न रेलवे में एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट करके जॉब करती हूँ। मेरा ये जो अनुभव है मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 2008 में मेरे बेटा श्री वैभव पेडनेकर के साथ हुआ है। उसका बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान दो लोग ऑलरेडी जगह पे ही मृत हो गए थे और मेरा बेटा वो गाड़ी चला रहा था। वैसे मेरा बेटे का जॉब तो स्कूल बस का ड्राइविंग करना है, वेकेशन था करके इसके लिए वो गोवा ट्रिप पे गया था। मेरे बेटे ने जाने से पहले उसके राम नाम की वही जो है वो पूरी करके मुझे मम्मी ये अपनी मेरी वही तुम सबमिट करो करके दी थी। जिस दिन एक्सीडेंट हो गया उस रात शनिवार के दिन मैंने उसकी नोटबुक जमा कर दी थी और रात को करीब 2-2:30 बजे के करीब उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान जब मेरा बेटा अनकॉन्शियस था तो उसको वहाँ से सायन हॉस्पिटल में लेके आया लाया गया था। उसके कुछ दोस्त मेरे घर पे आए और मुझे बताया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको एडमिट करने के लिए तुम्हें सायन हॉस्पिटल हमारे साथ चलना है। मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस दिन अपने यहाँ जो श्री हरिगुरुग्राम में चरखा शिविर होने वाला था उसके लिए मेरे पति सेवा के लिए गए हुए थे। तो मैंने पहले उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन मुझे लगा नहीं, तो मैंने हमारे एक कलीग थे उनको फ़ोन किया और उनको बताया जो परिस्थिति थी और उनको बोला सायन हॉस्पिटल में आओ। जब मैं सायन हॉस्पिटल में पहुंची तो मैंने जो देखा वो देख के एक माँ का दिल क्या होता है, कैसे दहल जाता है वो नहीं बता सकती हूँ। मेरा बेटा पूरा खून से लथपथ पड़ा था, उसको बहुत सारा लगा था, उसके सर से हाथ पैर से सब जगह से खून ही खून दिख रहा था और मैं क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने देखा कि वहाँ हमारे केंद्र के और चारकोप केंद्र के बहुत सारे लोग मेरे पहले ही जमा हो चुके थे। मेरा बेटा अनकॉन्शियस था, उसको उसी हालत में वो ICU में कम से कम 13 से 14 दिन तक एडमिट था। इस एडमिट के दौरान हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करने का था, तो किसी ने हमें कहा कि सुचित दादा से मिलो। हम दूसरे दिन पति पत्नी सुचित दादा से मिलने आए। दादा ने हमें देखा और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा कि कुछ नहीं, घबराना नहीं, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो और 8 दिन के बाद हमें आके मिलना। उसी तरह से हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मेरा बेटे को मैं रोज़ हॉस्पिटल में बापू ने जो दी हुई उदी थी वो बापू के हस्तस्पर्श वाली वो उदी रोज़ लगाती थी। उसके पैर में शरीर पे जहाँ लगे वहाँ लगाती थी, उदी लगाती थी और उसके मीन्स लीवर का ये था तो उसका लीवर का उन्होंने पहले ठीक करा लिया, फिर उसके सर में भी स्टिचेस डाल के सर भी ठीक करा लिया। उसका पैर हड्डी मीन्स 2 टुकड़े हो चुके थे और कमर से टूट गई थी। जब वो हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ वहाँ बैठी थी तब उसको ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके गए। तो मैंने हम लोगों ने भाई ने और मैंने पूछा उनको क्यों है, तो वहाँ के डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर ने उनको बताया उसका पैर एम्प्यूटेट करने वाला है। तो जैसे मैंने सुना मैं वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ गई। मेरे हाथ में उस वक्त मैं राम नाम की वही लिख रही थी, अपने राम नाम वही के पीछे जो बापू का फ़ोटो है उसके उस पर देख कर मैंने अपना जो बापू की उपासना शुरू कर दी और उपासना करके बापू को कहा बापू मेरा बेटे का पैर कटना नहीं चाहिए, बापू आप कुछ भी करो। थोड़े देर के बाद बेटे को वापस ऑपरेशन थिएटर से वापस बाहर लेके आए और ICU में वापस लेके आए। जब पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उसका जो पैर एम्प्यूटेट करने का था उसका निर्णय डॉक्टर लोगों ने बदल लिया है। फिर आस्ते आस्ते उसकी हालत सुधरते गई। फिर जैसे हमको दादा ने कहा था हम 8-10 दिन के बाद दादा के पास वापस गए, तब दादा ने हमको बताया उसकी मौत आई थी लेकिन ऊपर जो बैठा है उसने उसको बचाया है। ऊपर जो बैठा है वो मेरा बापू है, उसके अलावा दूसरा तीसरा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे उसकी हालत सुधरते गई, फिर उसको ICU से वार्ड में लेके आए। फिर उसके जो टूटा हुआ हड्डी था उसको बोन रॉड डाल के बोन ग्राफ्टिंग करते करते उसका पैर ठीक होते गए। उसके पैर के 6 से 7 ऑपरेशन हो गए। उसका फाइनल ऑपरेशन होना था
कुछ ना कुछ रीज़न से हमको कभी ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल नहीं होते थे, कभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे, कभी टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं होते थे। ऐसे करते करते 21 दिन निकल गए। हम फिर दादा के पास आए, दादा ने कहा कुछ नहीं, 8 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा से मिल के दूसरे तीसरे दिन ही हम वापस जब हॉस्पिटल में गए तो तभी नए डॉक्टर आए थे और उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए थे। उधर डॉक्टर ने डिसीजन ले लिया कि उसके पैर का रॉड निकाल देंगे और डॉक्टर ने उसके पैर का रॉड निकाल दिया। कुछ ही दिनों में मेरा बेटा ठीक हो गया और फिर हम उसको घर पे लेके आए। ये तो अभी मेरा बेटा आज के दिन अपने पैरों पे ठीक से खड़ा है, चलता है, अपना वही ड्राइविंग वाला काम भी करता है। लेकिन ये सब होने से पहले कुछ मैं अपनी ऐसी बातें बतानी चाहती हूँ जो हमारे सद्गुरु हमको हमेशा जो ये है इंस्पिरेशन से बता देते हैं। तो हमें हमारे इस केंद्र का अपने जो महा ब्लड डोनेशन कैंप होता है वो 4 मई 2008 को हुआ था। तो उस डोनेशन के दौरान मैं हमेशा बापू बोलती, बापू मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, मुझे मेरा ब्लड डोनेट करना है, आप मेरा प्लीज़ ब्लड ले लेना। और उस साल मैंने फर्स्ट टाइम अपना ब्लड डोनेट किया। मैंने ब्लड तो डोनेट किया लेकिन मुझे आगे की घटना क्या होने वाली है मालूम नहीं थी। मेरे बच्चे को जितना खून लगा अपने संस्था के तरफ से मिलते गया और मेरे बच्चे का सब कुछ ऑपरेशन एकदम सही तरह से हो गए। हमें कहीं कुछ हिच नहीं आई और सब कुछ ठीक होते गया। उस वैसे ही हमारे बापू हमको कभी कभी कुछ बताते रहते हैं प्रवचनों द्वारा या अपने वर्ड्स के द्वारा। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे बापू क्या और क्यों हमको बोलते रहे। हमें सिर्फ अपने बापू पे विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही विश्वास मैं अपने बापू पे हमेशा रखते आई हूँ। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं पहले बापू बगा काय झाले ते सांभाळून घ्या। इवन ऑफिस में भी कुछ ऐसा होता है तो मैं बापू को हमेशा बोलती है। इस दौरान भी जब बापू ने मुझे बहुत पहले ही संकेत दे रखा था, जब हमारा स्वर्ण जयंती जन्मोत्सव का साल चल रहा था उस दौरान मैं बापू के यहाँ, बापू श्रीफल देते थे तो वो श्रीफल लेने के लिए आई थी। उस कमरे में सबसे पीछे बैठी हुई थी तो बापू हर किसी से कुछ ऐसे 10-15 मिनट बात ऐसे कॉमनली सबसे कर रहे थे। तभी बापू ने मेरे तरफ देख के एक ही बात कही थी, तुम्हारी गाड़ी सिग्नल तोड़ के कहीं भी कितनी भी आगे चली जाए उसको पीछे लाना मेरा काम है, तुमको कोई मृत्यु का भय नहीं। हरिओम, मैं अंबद ने हूँ।